वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। एले एले भाई, मुझे पता है तुम ये वीडियो देखने से पहले और भी वीडियो देखा है, बट इस वीडियो में तुम्हें जो सही है वो मिलेगा। बट कुछ रूल है भाई, इस वीडियो को देखने से ज्यादा समझने की कोशिश करना है। 3 दिन, 3 दिन सोचने के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया बहुत ज्यादा रिस्क लेके। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो मतलब मेरा जो मिशन है वो सक्सेस है। मैंने फर्स्ट में क्या बोला कि ये वीडियो देखने से पहले तुम्हें समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इस चीज की नाम हम रखेंगे कैची। कैची मतलब समझ रहे हो, और ये जो देख रहे हो इसका मतलब है एडिटिंग। मतलब समझ रहे हो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, मतलब तुम समझ जाना ये है एडिटिंग, इसका मतलब है एडिटिंग। तो कैची और एडिटिंग, ये दो वर्ड बस हम यूज करेंगे, और यूट्यूब को क्या लगेगा कि हम तो एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के बारे में बता रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ अलग है, जुली के नीचे क्या है। और भाई तुम वीडियो के लास्ट तक रहना, मजा आएगा। और इस वीडियो में कोई आईफोन वाला है तो भाई तुम टेंशन मत करो, वीडियो के नीचे तुम्हें टाइमलाइन दिखेगा, उस पर तुम क्लिक करके डायरेक्ट आईफोन से तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट में करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग मतलब समझ रहे हो, पहले तो मैंने क्लियर कर दिया, समझना बस, ओके। और कैची को हम करेंगे एडिटिंग। तो कैची को एडिटिंग करने के लिए तुम्हें बस कॉमेंट चेक करना है। कमेंट चेक करने के बाद उस पे जब तुम क्लिक करके उस साइट पे जाओगे, ठीक है, साइट पे जाने के बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें भी तुम्हें सही वाला कैची मिलेगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे भी मिलेगा, थर्ड वाले ऑप्शन पे भी मिलेगा। जो फर्स्ट वाला जो कैची है वो मेरे फोन में भी हो गया और मेरे दोस्त के फोन में भी हो गया, तुम्हारे फोन में भी शायद हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो तुम्हें 2 नंबर कैची तुम्हें 2 नंबर कैची एडिटिंग करना है, फिर भी ना हुआ तो 3 नंबर कैची एडिटिंग करना है। मुझे पक्का पता है, 100% है भाई, फर्स्ट नंबर जो कैची है वो तुम्हारे फोन में हो जाएगा। और फोन में करते ही तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हारे उधर ऑप्शन दिखेगा जैसे कि नो इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट तुम घबराना मत, बस सब कुछ कैंसिल वगैरह करके फोन फेंक देना, मतलब बिस्तर पे। थोड़ी देर बाद फिर से आके तुम इंटरनेट कनेक्शन देकर फिर तुम ओपन करना, तो तुम्हें सभी चीज तुम्हें दिखने को मिलेगा जो चीज तुम्हें सही है। जब मैं फर्स्ट टाइम 1 नंबर कैची को एडिटिंग किया, उसके बाद मेरे सामने भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन आया, नो इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा टाइम वेट किया और वीपीएन को मैं बार बार कनेक्ट रिकनेक्ट किया। जो बेस्ट वीपीएन है वो है टर्बो वीपीएन, वो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर वो भी ना हुआ तो एक उर्बन करके वीपीएन है, वो तुम्हें क्रोम ब्राउजर पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्ले स्टोर पे मिल जाए तो तुम उधर से डाउनलोड कर लेना, अगर उधर ना मिले तो तुम्हें क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है, जाकर तुम्हें उर्बन वीपीएन सर्च करना है। सर्च करने के बाद ही तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस आ जाएगा, एंड इधर से तुम क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ओके। डाउनलोड करने के बाद इसमें तुम्हें क्या करना है, ओपन करके तुम्हें परमिशन दे देना है। जब तुम परमिशन दे दोगे तो तुम्हारे सामने कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंट्री दिखने को मिलेगा जो बहुत ही धासु कंट्री है। एक ये है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये नाम ही बहुत खतरनाक है भाई, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो तुम समझ जाना। ये वीपीएन तुम यूज कर लेना, जिससे क्या होगा कि जितने भी कैची में चीज है ये सब चीज तुम यूज कर पाओगे, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कैची मतलब क्या और एडिटिंग मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो ना, ओके। मैं तुम्हें एकदम लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। इधर देखो तुम उर्बन वीपीएन, ओके, इधर उर्बन वीपीएन तुम्हें दिख रहा है ना, उर्बन वीपीएन में मैं क्लिक कर दूंगा, ओके। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की इंटरफेस तुम्हारे सामने आ जाएगा, एंड इधर से तुम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं कंट्री पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ, देखो इधर से तुम लाइक भी कर सकते हो, फेवरेट साइट पे रहेगा, ओके। ऐसे तुम्हारा जो वीपीएन है ऐसे कनेक्ट होगा, ओके, ऐसे कनेक्ट होगा और इधर सेकंड काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम्हें मिनिमाइज कर देना है, ओके। मिनिमाइज करने के बाद तुम्हें क्या करना है, कैची ओपन कर लेना है, ओके। कैची ओपन करने के बाद देखो, जब तुम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद इधर देखो लाइब्रेरी तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है। जब तुम लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद इस जगह अगर तुम्हारे सारी चीज लोडिंग हो गया तो तुम समझ जाओ सब चीज फिक्स है। अगर फिर भी ना हुआ तो बार बार तुम ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, मिनिमाइज कर देना, बार बार ट्राई करना, वीपीएन डिस्कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, बार बार ट्राई करना, फिर भी ना हुआ तो क्या करना है, ये सब छोड़ दो, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके तुम्हें एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सही नेटवर्क पे जाना और वीपीएन भी कनेक्ट रखना, और नेटवर्क भी सही होना चाहिए। उसके बाद तुम जैसे कि एनिमेशन में मैं क्लिक करता हूँ, एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ दिखने को मिलेगा बाद में, मैं पहले इफेक्ट पे जाता हूँ। इफेक्ट पे जाने के बाद तुम देखो ये सब लोडिंग हो रहा है, मतलब इस जगह तो काम कर रहा है भाई, तुम देखो इस जगह काम कर रहा है, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इधर से एनिमेशन पे जाऊँगा, देखो इधर भी देखो भाई सारी चीज है इधर, ओके। अभी बात करते हैं कि आईफोन में तुम कैसे डाउनलोड कर सकते हो। भाई तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम तो गरीब नहीं हो, तो भाई खरीद लो, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। देखो आईफोन के लिए क्या होता है, तुम कुछ भी ट्रिक लगा लो कैची को तुम अलग जगह से एडिटिंग नहीं कर सकते, ओके। इसके लिए तुम्हें ऐप स्टोर से एडिटिंग करना है, ओके। अगर तुम ऐप स्टोर से एडिटिंग करोगे तो वो आईफोन वर्जन रहेगा,
ओके, तो इसके लिए बस तुम्हें आईफोन पे कुछ सेटिंग्स कर लेना है। ओके, ध्यान से समझना, पहले तुम्हें क्या करना है, ऐप स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद ही तुम्हें प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो तुम्हारा नाम आएगा, नाम पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा। एंड इधर तुम देखो कंट्री ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, कंट्री पे क्लिक करना है। और इधर देखो चेंज कंट्री ऑप्शन है, इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर से तुम्हें एक कंट्री सिलेक्ट करना है, वो है सिंगापुर, ठीक है। तुम इधर देखो, इधर से तुम्हें सिंगापुर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इधर तुम इधर देखो सिंगापुर है, ठीक है, देख सकते हो। तो सिंगापुर पे ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद ही कुछ और इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा। एंड इधर तुम देखोगे तो एग्री ऑप्शन है, एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ही कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इधर तुम्हें नॉन पे टिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है एंड इधर तुम्हें लिखना है शिवा, ओके, शिवा लिखना है कुछ इस तरह से, ओके। शिवा लिखने के बाद उसके बाद तुम्हें ये ऑप्शन खाली रखना है एंड नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इधर तुम्हें एक पिन नंबर कोड, पोस्ट कोड, ठीक है, पोस्ट कोड ऐड करना है। इधर तुम्हें लिखना है 521147, ओके। फिर तुम्हें नीचे इधर नंबर ऐड करना है, नंबर क्या ऐड करना है, 1234567 8, ओके। इतना करने के बाद तुम्हें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके, डन। ओके, इतना करने के बाद ही जब तुम ऐप स्टोर पे जाके कैसे सर्च करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इधर कुछ भी सीन नहीं दिखा रहा हूँ, तुम तो समझ ही रहे हो। देखो भाई, अभी तुमने कैसी रीडिंग कर लिया और तुम्हारे लिए मैंने इतना मेहनत किया, और नेक्स्ट टाइम तुम्हें ट्यूटोरियल की भी जरूरत पड़ेगा और वो मैं ही बनाता हूँ और मैं ही अपलोड करूंगा, और तुम भी देख लेना थोड़ी बहुत, और अगर देख ही लोगे तो हो गया ना भाई भाई, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलेंगे ऐसी और एक कैसी रीडिंग में, ये रीडिंग रियल है। सो आज के लिए भाई भाई, टेक केयर, लव यू।